नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जैसा कि आप यह देख रहे होंगे, पैकिंग करके WPC का फ्रेम मंगाया गया है। आज मैं आपको बताऊंगा WPC के चौखट लगाने से क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके लगाने से कितने लंबे टाइम तक हमें लकड़ी पर कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। यह आप देख रहे होंगे फ्रेम को पैकिंग कितने अच्छे तरीके से किया गया है, जिससे कि दोस्तों फ्रेम पर स्क्रैच बिल्कुल ना लगे और लगने के बाद खूबसूरत दिखे। इसकी पैकिंग को सबसे पहले हम खोल लेंगे। या आप देख रहे होंगे इतनी अच्छे से इसे ग्रे कलर का पेंट मारा गया है और यह बहुत मजबूत होता है और दोस्तों इसमें दीमक और पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैकिंग खुलने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊँगा फ्रेम किस तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले पन्नी से फ्रेम को निकाला गया है, उसके बाद दोस्तों यह आप देख रहे होंगे इसमें पताम बना बनाया आता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे इसी पे दोस्तों दरवाज़ा लगेगा। सबसे पहले दोस्तों हम इसकी नपाई करके काट लेंगे। यह मशीन से काटा जा रहा था, मशीन का ब्लेड छोटा होने के कारण थोड़ा सा कोने पे बच रहा था, उसे दोस्तों हम आरी से काट लेंगे। यह दोस्तों कर्व में कटेगा जिससे कि दोनों तरफ कर्व आराम से मिल सके और फिनिशिंग अच्छी आए। इसमें दोस्तों बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे छोटा सा टुकड़ा हमारा निकला है और इसमें थोड़ा सा बुरादा ही निकलता है, इसमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है। इसी तरीके से हम अपने तीनों फ्रेमों को अच्छी तरीके से काट लेंगे। यह आप देख रहे होंगे इसे भी मशीन से काटा गया है। मशीन से काटने के बाद इसे हम आपस में मिलाकर पेच लगाएंगे। इसको लगाना बहुत आसान होता है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लगाने का भी वीडियो दिखाऊंगा। यह आप देख रहे होंगे इस तरीके से आपस में मिलाकर इसमें पेच लगाया जाएगा। यह आप देख रहे होंगे जिप्सम पेच है या 3 इंची का पेच है, इसको हम फ्रेम में लगाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे ड्रिल मशीन से फ्रेम में पेच को लगाया गया। दोनों कोनों पर दोस्तों हम दो दो पेच लगा देंगे, टोटल हमारे 4 पेच लगेंगे और इसे खूब अच्छी तरीके से हमें टाइट करना है, जिससे कि फ्रेम पर लोड पड़ने पर या खुले ना, और इसके जोड़ की फिनिशिंग को भी हम देखेंगे जिससे कि ज़्यादा खुला ना रहे और देखने में भी बेकार ना लगे। इसी तरीके से हम दूसरा वाला कोना भी हम पेच से टाइट कर लेंगे। या आप देख रहे होंगे यह कोना भी कटकर तैयार है। इसे हम आपस में मिलाएंगे, मिलाने के बाद इसमें हम 3 इंची का जिप्सम पेच लगाएंगे। दोस्तों WPC की चौखट लगाने के बहुत फ़ायदे हैं। WPC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वुडन प्लास्टिक कंपोनेंट। दोस्तों लकड़ी और प्लास्टिक के बुरादे को आपस में मिलकर बनाया जाता है और इससे बहुत मजबूती रहती है और इसमें दीमक से बचाव होता है और पानी से भी कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ता है। यह दोस्तों अपने इंडिया में आसान तरीके से मिल जाता है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यह ऊपर की तरफ पेच लगने के बाद हमें यह गुनिया में करने के लिए दोस्तों यह आप देख रहे होंगे नीचे पटली लगाई जा रही है। पटली की भी नपाई दोस्तों ऊपर से नीचे करके इसमें पेच लगाया जाएगा, जिससे कि जहाँ भी फ्रेम लगाया जाए तो प्रॉपर गुनिया में रहे। इसीलिए इसे हम पेच लगाकर फिक्स कर लेंगे। यह आप देख रहे होंगे दोनों साइड से फिक्स किया गया है। अब इसे हम ले जाकर चौखट आसान तरीके से लगा सकते हैं, या बीम वाली जगह हो या ईंट वाली जगह हो, इस पर बहुत आसान तरीके से फास्टनर से लग जाता है। यह बिल्कुल फ्रेम बनकर तैयार है। इसे आप किसी भी साइज में बना सकते हैं, 3x6, 4x7, जैसे भी आप बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। अगर आगे दोस्तों आपको फ्रेम लगाने का वीडियो देखने को मिलेगा।